आई एम शिवम द शेटलर। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज मेरा मूड काफ़ी ख़राब है। सो गाइस, इसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा मूड इतना ख़राब क्यों है। सो गाइस, मैं अपने होम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था और मैं जो बैडमिंटन रैकेट है उससे मैंने बहुत तेज पावरफुल स्मैश मारा, उससे मेरे रैकेट की स्ट्रिंग टूट गई। सो गाइस, चलिए मैं आपको अपना रैकेट दिखाता हूँ। सो गाइस, ये आप देख सकते हो, रैकेट की गट एकदम थोड़ी सी बहुत ज़्यादा टूट गई है। सो गाइस, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने कितना पावरफुल स्मैश मारा था, पूरी जान लगा के मारा था मैंने। सो गाइस, यहाँ से पूरी टूट गई है। सो गाइस, जल्दी मैं इसको रिपेयर कराऊंगा। सो गाइस, ये मेरा बेस्ट रैकेट था मेरे कलेक्शन का, और गाइस मैं इससे खेलना भी बहुत पसंद करता था। मैंने इसमें 26 LBS एक्सटेंशन डलवाई थी वाइट कलर में, या आप देख सकते हो वाइट ही कलर है। 26 LBS डलवाई थी और मैंने स्मैश मारते ही टूट गई। सो गाइस, जल्दी मैं इस रैकेट को रिपेयर कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। और गाइस, आप भी कमेंट कर दीजिएगा कि मैं कितनी टेंशन इसके लिए सूटेबल है। मैं एक इंटरमीडिएट प्लेयर हूँ। सो गाइस, आप कमेंट कर दीजिएगा। सो गाइस, आप भी शॉक्ड हुए होंगे कि एक स्मैश पे इतने सारी गट कैसे टूट सकती है, स्ट्रिंग कैसे टूट सकती है। सो गाइस, मेरे को लगता है कि पहले से काफ़ी स्ट्रिंग टूटी होगी थोड़ी सी, तो उस वजह से मैंने स्मैश मारा होगा तो ये टूट गई होगी इतनी सारी। सो गाइस, आप भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से टूटी होगी। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।